इंडिया टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान को लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में अब भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। पहले 10 मैचों में सीएसके की टीम 7 मैचों में हार झेल चुकी है और अब उसे 4 मैच और खेलने हैं। सोमवार को सीएसके को राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से हराया, जिसके बाद से टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की राह काफी मुश्किल हो चुकी है। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर महज 125 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 17.3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 126 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इरफान पठान ने कहा कि धोनी के पास ऐसी टीम है जो अभी भी इस टूर्नामेंट पर वापसी कर सकती है। पठान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अगर कोई टीम है जो 7वें-8वें नंबर से टूर्नामेंट में वापसी कर सकती है तो वो टीम सीएसके की है। सीएसके को पता है कि खिलाड़ियों को कैसे हैंडल करना है, वो खिलाड़ियों को काफी कंफर्ट देते हैं। मैं उस टीम का 2015 में हिस्सा रह चुका हूं। उनके लिए खिलाड़ी काफी महत्व रखते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस फ्रेंचाइजी को 21-22 सालों से क्रिकेट चलाना आता है। चेन्नई लीग में भी वो ऐसे ही टीम चलाते हैं। यहाँ बात सिर्फ खिलाड़ियों की होती है, आप जाइए खेलिए और हम आपको बैक करेंगे। सीएसके का ये आईपीएल का 11वां सीजन है। अगर टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुँचती है तो ये पहला मौका होगा जब सीएसके की टीम अगले राउंड तक नहीं पहुँचेगी। इरफान पठान ने कहा, हमें पता है सीएसके की टीम सालों से बहुत अच्छी रही है। इस साल टीम में हरभजन सिंह और सुरेश रैना के नहीं होने से फर्क पड़ा है। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी चोटिल हुए, लेकिन हमें अब भी उम्मीद है क्योंकि उनके पास धोनी के रूप में अच्छा कप्तान है। वो मुश्किल परिस्थितियों से टीम को निकाल सकते हैं। सीएसके को अपना अगला मैच शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है। खैर, अब देखना होगा कि सीएसके अगले मैच में अब जीत के लिए क्या रणनीति तैयार करती है। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन।